असलम का इज़ आई होप यू आर डूइंग फाइन माय नेम इज़ सदी का अब हम डीएसएम के नेक्स्ट डीएसएम का हम क्लस्टर कर रहे थे स्लीविक स्लीविक डिसऑर्डर तो स्लीविक डिसऑर्डर का हम नेक्स्ट जो से डिसऑर्डर कर रहे हैं वो है नॉन एपिडाइट मूवमेंट स्लीपर ऑयल डिसऑर्डर यहाँ भी इसको हम स्पेसिफाई करती हैं पैरासोम्यास के साथ भी जब हम आगे बात करते हैं पैरासोम्यास की तो हम देखते हैं कि पैरासोम्यास हम कंसीडर करती हैं जिसकी वजह से नॉन एपिडाइट नॉन एपिड नॉन रैपिड आई मोवमेंट के दौरान हम कोई अब नॉर्मल बिहेवियर अकर होते हैं जैसे सोते हुए चलना सोते हुए चलना अब ये बिहेवियर कब अ, कब अकर होता है स्लीप की किसी भी स्टेज में जैसे कि हम देखते हैं कि जनरली ज़्यादा भी कुछ जगह में आपको ज़्यादा पाँच भी मिल जाएंगी छः भी मिल जाएंगी लेकिन ज़्यादातर जगहों में फ़ाइव रेपिड मूवमेंट मतलब स्लीपिंग स्टेजेस कंसीडर की जाती हैं फ़ोर फोर क्या होती हैं कि फर्स्ट जोन से होती है फॉलिंग स्लीप जिसमें इंसान के वो पाँच से दस मिनट होते हैं जब इंसान जिन होता है वो uh, वो उस टाइम जिनसे होते हैं इंसान सोने के लिए लेटता है ठीक है उसके बाद फिर नेक्स्ट नॉन रेपिडाई मूवमेंट की स्टेज आती है जिसमें इंसान की जिनसी वो हार्ट रेट है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है उसका बीपी जो वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है ब्रीथिंग जिनसी वो स्लो होने शुरू हो जाती है उसके बाद फिर जिनसी थर्ड स्टेज हम देखते हैं थर्ड स्टेज में इंसान के मसल्स रिलैक्स होने होने शुरू हो जाते हैं वो डीपेस्ट स्टेट होती है थर्ड स्टेज जिनसे वो डीपेस्ट स्टेट होती है इंसान की सोने की और उसके बाद जब हम फोर्थ स्टेज देखते हैं फोर्थ स्टेज में इंसान का जिनसे ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है एक्टिव हो जा उसकी जिनसे ड्रीम ड्रीमी कंडीशन हो जाती है मतलब वो ख्वाब वगैरह देख ले देखना शुरू कर देता है और उसकी आई मोमेंट जिनसे वो रैपिडली मूव रही होती हैं उसकी आईज तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि किसी भी स्लीप uh, की स्टेज में जिनसे होता है ये uh, बिहेवियर अब नॉर्मल बिहेवियर अगर हो रहा है फिर आई वेकफुलनेस वेकफुलनेस टू स्लीप एंड वाइस वर्सा और ये ऐसे भी हो सकता है कि सो uh, सोने के वही चीज़ के इंसान को जागते जागते भी जिनसे हम आ, मैं आपको बता रही थी लास्ट जो स्टेज या फिर जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसकी फोर फिफ्थ स्टेज फिफ्थ सिक्स स्टेज भी, भी कंसीडर की जाती है अगर हम उनको कंसीडर करें तो उनमें एक स्टेज आती है जब इंसान जिनसे वापस वेकफुलनेस की तरफ आ रहा होता है तो वहाँ पर उसकी ही बात की गई है उसके बाद अगर हम पैर को बात करें तो वही चीज़ है कि इसमें सोते हुए बोलना सोते हुए हिलना जुलना या सोते हुए कुछ ऐसी चीज़ें करना जिनका हमें याद ही ना रहे और सोते हुए नींद में चलना उसके अलावा अगर हम देखें कि लोगों को ये लग आप ऐसे बिहेव कर रहे होते बहुत जनरली और लोगों को ये लगता है कि आप उठे हुए हो लेकिन अगर आप उठे नहीं होते आप अनकॉन्शियस होते हो और आपको उसके बाद वो इंसिडेंट भी याद नहीं होता या फिर बज़ दफ़ा ऐसे भी देखने को मिलता है कि उन लोगों को लगता है कि उनने ख्वाब देखा है लेकिन वो हकीक़त होती है लेकिन उनको लगता है ख्वाब देखा और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलती हैं जो कहते हैं हमें कुछ याद नहीं है और उनको कुछ याद होता भी नहीं है उसके बाद अगर हम पैर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये रेस्टलेस रेस्टफुल्स जिन सी स्लीप होती है ये नहीं सो सकते मतलब कि चैन की नींद होती है ना वो ये लोग सो नहीं पाते और ये बिहेवियर जो होता है ये आ, स्लीप में डिस्टर्ब करता है हमारे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं जारी सी बात है उनकी नींद आराम करेगा तो उसके बाद फिर हम एडिशनली अगर देखें तो ये पैसा बहुत डेंजरस है अगर हम अपनी सराउंडिंग्स हमारे इर्द गिर्द किसी को नहीं पता या हमें हम किसी नई जगह गए हमें उसका इर्द गिर्द नहीं पता तो ये हमारा एक बहुत डेंजरस बिहेवियर हमारे लिए या दूसरों के लिए कंसीडर हो सकता है इसलिए हेल्थ रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह भी आती हैं और पैसा क्योंकि ट्रीटेबल है तो हम इसको एक स्लीप डिसऑर्डर कंसीडर करके इसका ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत आ, दूसरों के लिए भी खतरनाक है हमारे लिए ख़ुद भी खतरनाक है तो अगर हम मजदीद देखें तो कॉमन जो से मोस्ट कॉमन पैरासोम्यास अगर हमें देखने को मिले वो नाइटमेट डिसऑर्डर्स हो जाती हैं नॉन रेपिड आई स्लीपोजल डिसऑर्डर हो जाता है और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाता है रेस्टलेस लेग लेग से हो जाता है ये पैरासोम्यास में आते हैं तो पैरासोमियाज में हमने नॉन आई मूवमेंट भी अभी डिस्कस करके रखेंगे जब नॉन रेपिडाई मतलब कि वो थर्ड स्टेज उनसे होती है कि वो इंतहाई नींद में होता है इंसान तब Uh, तब जो सा uh, तब अगर कोई अब नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो हम उसको स्पेसिफाइंग स्पेसिफाई कर देंगे नॉन रेपिडाई uh, मूवमेंट स्लीपर ओजनल डिसऑर्डर के साथ नाइट डिस डिसऑर्डर में इंसान को वही चीज़ के मैंने आपको बताया इंसान को लगता है कि वो ख्वाब में हुई है इंसान ख्वाब में बहुत ही कोई खौफनाक सा ख्वाब देख रहा है लेकिन वो एक्चुअली उसकी जो उन बॉडी है वो शिवर कर रही है या फिर वो एक्चुअली कहीं भाग रहा है छुप रहा है या फिर उसकी बॉडी जो उनक्चुअली जो उनकी कवर कर रही है लाइक लाइक कि अगर हम अक्सर लोगों को देखते हैं

ड्रीम ड्रीमी स्टेट होती है इंसान की इसमें इंसान बाकायदा ख्वाब देख रहा होता है तो उस ख्वाब में इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया बातें करना